हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम द साइलेंट सी सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8 मतलब फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख लो। और जिन लोगों ने देख लिया है वो लोग तैयार हो जाओ आखिरी कहानी जानने के लिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 5 साल पहले के इंसिडेंट को देखते हैं। बेल स्टेशन पर सारे लोग अपने रिसर्च का काम कर रहे होते हैं। वहां पे डॉक्टर सुंग की बहन भी मौजूद होती है, बट अचानक से वहां पे वार्निंग अलार्म बजने लगती है कि पूरे स्टेशन के टेम्परेचर चेंज हो रहा है और सारे गेट्स बंद हो रहे हैं। ये सुनते ही सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं, बट एग्जिट गेट पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आए होते हैं। वो गार्ड्स वहां पे सारे लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और उनको वहीं पर मार देते हैं ताकि बेल स्टेशन का राज यहीं पर दबा रहे और लूनर वाटर के बारे में किसी को पता ना चले। यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। कैप्टन चीफ डॉक्टर सुंग, लूना और डॉक्टर ह्यूंग मेन लैब में होते हैं। कैप्टन जी सुंग से बात कर रहा होता है। जी सुंग बताता है कि आरएक्स टीम के लोग बेल स्टेशन तक पहुंच ही गए हैं। वो लोग कैप्टन रियू से वो कैप्सूल लेना चाहते हैं। एक्चुअली कैप्टन रियू भी आरएक्स टीम का होकर ही काम करता है। कैप्टन कहता है कि कैसे भी करके आरएक्स टीम के स्पेस क्राफ्ट को लैंड होने से डिले करवा दिया जाए और उनके एस्केप शिप को जल्दी से यहाँ पर भेज दिया जाए। तब तक वो लोग रियू को ढूंढ कर आखिरी कैप्सूल उससे छीन लेंगे। जी सुंग कहता है कि वो कोशिश करेगा। यहाँ पर डॉक्टर सुंग कहती है लूना को अर्थ पर ले जाने के बाद क्या किया जाएगा। जी सुंग कहता है कि उसको नेशनल डिफेंस के अंडर रखा जाएगा और उस पर रिसर्च का काम जारी रहेगा। इतना बता के वो कॉल काट देता है। सुंग कहता है कि अगर नेशनल डिफेंस के अंडर रिसर्च होगा तो वो लोग लूनर वाटर पर अपना अधिकार जमाना चाहेगा जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो लोग रेस्क्यू शिप को किसी न्यूट्रल जगह पर ले जाएंगे और वहां पर ही इसका रिसर्च चालू करेंगे। वो जब ये सब डिस्कस कर रही होती है तभी उसको अपनी आंखों के सामने सब कुछ पानी के अंदर दिखने लगता है। वो समझ जाती है कि असली बात क्या है। वो जल्दी से भागते हुए एक दूसरे कमरे में जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। सारे लोग काफी हैरान होते हैं और सुंग को गेट ओपन करने को कहते हैं, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके मुंह से पानी का झरना बहने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वो किसी बड़े से समुन्द्र के गहराइयों में डूब रही है। कुछ देर बाद उसे दोबारा होश आता है। वो देखती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। ह्यूंग कहती है कि शायद लूना ने जब सुंग को काट लिया था तब उसके म्यूटेटेड जीन्स उसके बॉडी में आ जाते हैं जो कि लूनर वाटर के विभाजन को रोक देते हैं। मतलब लूना के बॉडी में जो म्यूटेटेड जीन्स है वो लूनर वाटर के खिलाफ एंटीबॉडी के लिए काम कर सकते हैं। मीनवाइल हम रियू को देखते हैं और उसके कानों से भी पानी निकलने लगता है क्योंकि पिछले एपिसोड में वो भी लूनर वाटर के कॉन्टेक्ट में आ गया था। वो एक जगह पर बैठ कर रोने लगता है। उसे अपने सामने गार्ड नजर आने लगते हैं। इस तरफ कैप्टन लूना के पैरों में एक ट्रैकर लगा देते हैं और लूना उनको सेफली गेट नंबर 7 के पास ले जाने लगती है। असल में पानी का मात्रा बढ़ते बढ़ते स्टेशन पर चारों तरफ फैलने लगता है। वो लोग किसी तरह खुद को बचते बचाते गेट नंबर 7 के पास पहुंच ही जाते हैं। वहां पे उनके सामने कैप्टन रियू खड़ा होता है और उसकी हालत होती है बहुत खराब। वो डॉक्टर सुंग से माफी मांगने लगता है, रोने लगता है। यहां से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं कि कैप्टन रियू उन्हीं गार्ड्स में शामिल था जिन्होंने पिछले 5 साल पहले वेल स्टेशन पर सारे लोगों को मार दिया था। इस बात को लेकर वो आज तक गिल्टी फील करता आया है। मीनवाइल चीफ देखता है कि पानी का बहाव उनके बहुत करीब आ पहुंचा है, इसलिए वो रियू के बात खत्म होने से पहले ही उसे गोली मार देता है। बट इसी दौरान रियू भी चीफ पर गोली चलाता है। चीफ किसी तरह अपना दर्द सहने की कोशिश करता है और वो लोग रियू से वो आखिरी कैप्सूल ले लेते हैं और तभी रियू के मुंह से पानी निकलने लगता है और वो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपने स्पेस सूट के पास जाते हैं और ऑक्सीजन टैंकर वगैरह फुल करने लगते हैं। सुंग लूना को तैयार कर रही होती है और इस तरफ कैप्टन चीफ को मदद कर रहा होता है, बट चीफ को बहुत तकलीफ होने लगती है और धीरे धीरे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। चीफ के मौत का सदमा उन सभी को बर्दाश्त करना पड़ता है। कैप्टन जाकर एग्जिट गेट को ओपन करने की कोशिश करता है बट वहां पे एरर दिखाने लगता है, इसलिए वो कमरे से बाहर जाकर गेट को ओपन करता है। सुंग देखती है कि कैप्टन बाहर से गेट को ओपन कर रहे हैं और लूनर वाटर का बहाव वहां तक पहुंच जाता है। कैप्टन ने अपने आप को उनके लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। ये देखकर सुंग रोने लगती है। कैप्टन जाने से पहले कहते
कहते हैं जहां भी लूना को ले जाया जाए हमेशा उसके साथ साथ रहना। इसके बाद डॉक्टर सुंग डॉक्टर ह्यूंग देखते हैं कि लूना कमरे से बाहर चली गई है। वो लोग भी बाहर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पे लूना के स्पेस सूट का हेलमेट ग्लव्स सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तभी अचानक उनके पीछे से पानी का बहाव बाहर आता है और उसके धक्के से वो दोनों थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं। पानी का बहाव बाहर आते ही जम जाता है। डॉक्टर सुंग और ह्यूंग लूना को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि लूना एक छोटे से पहाड़ पर खड़ी होकर अर्थ की तरफ देख रही है। मून के सरफेस पर वो बिना ऑक्सीजन और स्पेस सूट के जिंदा रह सकती है। ये देखकर डॉक्टर सुंग काफी हैरान होती है। कुछ ही दूरी पर वहाँ पे कैप्टन हन की बॉडी पड़ी होती है। असल में पानी के बहाव के साथ वो भी बाहर आ गए होते हैं। लूना उनके सामने जाकर खड़ी होती है और कैप्टन तब भी जिंदा थे, बट धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तभी वहां पे रेस्क्यू शिप आती है और डॉक्टर सुंग ह्यूंग लूना को बचा लेती है और उनके पास लूनर वाटर का सैंपल भी मौजूद होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि 5 साल पहले जब वो इंसिडेंट हुआ था वो असल में क्या था। 5 साल पहले टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो सारे कैप्सूल्स थे उनमें से कुछ कैप्सूल्स ब्लास्ट हो गए थे और उनमें से बहुत सारा पानी बाहर निकलने लगा था, जिसे देखकर वहां के सारे लोग जो लोग रिसर्च वगैरह कर रहे थे वो लोग बहुत डर जाते हैं और वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो रियू के साथ जो बाकी के गार्ड्स थे वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को गोली मारते हैं। पहले तो 2-3 लोगों को गोली मारते हैं और बाकी के लोगों को वो लोग एक स्टोरेज सिस्टम में बंद कर देते हैं और उस स्टोरेज सिस्टम में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और इस पानी के कॉन्टेक्ट में आने के कारण वो बाकी के लोग जो लोग जिंदा थे वो सारे वहीं पर मर जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्ट्री ये है कि डॉक्टर सुंग की जो बहन थी उसकी बॉडी डॉक्टर सुंग और बाकियों को वहां पे नहीं मिली। बाकियों की तो बॉडी मिली बट उनकी नहीं मिली, तो उनका क्या हुआ ये हमको शायद सेकंड सीजन में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं तो सेकंड सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोगों का क्या कहना है वो कमेंट्स में बताओ और अगर आज के वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक करो शेयर करो और आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।